नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। सभापति से लेकर मंत्री और शासन प्रशासन दिव्यांगों को अपनी अपनी निधि और शासकीय योजनाओं के तहत बैटरी वाली ट्राई साइकिलों का वितरण करने की कई खबर तो आपने देखी ही होंगी, लेकिन ग्वालियर कलेक्टर की जनसुनवाई में आपको हैरान कर देगा एक दिव्यांग युवक का यह दृश्य, जिसे एक समाज सेवी अपनी पीठ पर बैठा कर कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचा, जहां उसने कलेक्टर साहिबा से अर्जी लगाई कि मुझे भी एक ट्राई साइकिल दी जाए। यह दिव्यांग आज ही नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से शासन प्रशासन और तो और ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के यहाँ भी अपना आवेदन देकर ट्राई साइकिल की गुहार लगा चुका है, लेकिन अभी तक इस दिव्यांग को ट्राई साइकिल नहीं मिली है, जिसके चलते यह दिव्यांग बेहद परेशान है। हमारे गालिब अली एक सोशल वर्कर, आप आज जनसुनवाई में आए हैं, क्या जी इनको लेकर आए हैं, क्या मामला है? इन नई भाई को गाड़ी नहीं मिली बैटरी वाली, कई कई दिनों से ये परेशान हो रहे हैं गाड़ी के लिए। माननीय मंत्री जी के यहाँ भी इन्होंने आवेदन लगाया, इनको गाड़ी नहीं मिली। कितनी बार आवेदन लगा? दो बार लगा दिया। दो बार लगा जी। किन मंत्रियों के आपने आवेदन लगाया? सिर्फ एक ही मंत्री के लगाया, प्रद्युमन सिंह जी के। आप तो आपको बैटरी वाली गाड़ी अभी तक नहीं मिली है? कोई साधन नहीं है अभी तक, ना मेरे को मिला है। आज मेरी उम्र करीब करीब 40 साल की हुई है, कोई ऐसा लाभ नहीं मिला मेरे को अभी तक, नहीं मिला है। आज आप कलेक्टर हैं, जनसुनवाई में आए हैं, जी हाँ, क्या बोला गया? यहाँ से ये बोला गया, यहाँ पे ना करीब करीब 1-1.5 महीने बाद उन्होंने ले लिया नंबर, संपर्क कर लेंगे हमसे, 1-1.5 महीने बाद गाड़ी की मिल जाएगी। 1-1.5 महीने ही बोला है मैडम ने। और क्या कहना चाहते हैं? बस यही है कि जितना मतलब मिल जाए हमको, जल्दी मिल जाए उतना अच्छा ही है। मैं बहुत बोल रहा हूँ परेशान, हमारा भाई है ये, हमारे मोहल्ले का ये एक तरह का बहुत अच्छा इंसान है, लेके आया मेरे को, खुद लेके आया अपनी गाड़ी पे संग। आज के टाइम में कोई नहीं करता जो इसने करा है। आपको पीठ पे भी लेके आया और गाड़ी पे लाया, जहाँ तक मेरे को पीठ पे लेके आया भाई मेरा। काले जी, आप समाज सेवी भी हैं जी, कैसे देखते हैं क्योंकि ये सुनवाई नहीं हो रही है और गरीब लोगों को गाड़ी नहीं मिल रही जी? अगर सुनवाई नहीं होगी तो एक दिन धरने पे बैठेंगे हम, नई बाइक को भी बटा लेंगे। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि Facebook और Instagram को भी आप फॉलो कर सकते हैं।